70 के दशक में इसराइल की कैबिनेट, जिसमें ज्यादातर मर्द ही थे, वहां एक बहस चल रही थी कि आखिर देश में बढ़ते हुए रेप केसेस को कैसे रोका जाए। सबकी राय थी, सब मर्दों की राय थी कि क्यों ना अंधेरे में महिलाओं के निकलने पर ही रोक लगा दी जाए। तब वहां की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर जो महिला थी, उन्होंने कहा था कि अगर कर्फ्यू ही लगाना है तो औरतों की जगह मर्दों पर क्यों ना लगा दिया जाए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। मशहूर विद्वान, लेखक, नाटककार और अभिनेता गिरीश कर्नाड हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से बीमार चल रहे गिरीश कर्नाड ने 81 साल की उम्र में आज अपनी आखिरी सांस ली। गिरीश कर्नाड ना सिर्फ कला जगत का एक जाना माना नाम थे, बल्कि वो विरोध की एक ताकतवर आवाज भी थे। बीते 5 सालों के दौरान कई प्रोटेस्ट में गिरीश कर्नाड मी टू, अब नक्सल, नॉट इन माई नेम की तख्ती के साथ नजर आए। गौरी लंकेश हत्याकांड की जांच कर रही SIT के मुताबिक गौरी लंकेश के संदिग्ध हत्यारों की लिस्ट में गिरीश कर्नाड का नाम भी शामिल था। गिरीश कर्नाड की सोच के विचारों की झलक उनके नाटकों में भी दिखती थी। गिरीश ने सिर्फ 26 साल की उम्र में तुगलक नाम का एक नाटक लिखा था, जिसमें उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के सकारात्मक पक्ष को दिखाया था। 1983 में तेलुगु फिल्म आनंद भैरवी में गिरीश ने एक डांस टीचर की भूमिका निभाई थी, जिसने लड़कियों के कुचिपुड़ी नृत्य सीखने पर लगी रोक का विरोध किया था। 1990 में उन्होंने ताले रंडा नाम की एक नाटक लिखा था, जो 12वीं शताब्दी के एंटी कास्ट रेवोल्यूशन पर आधारित था। 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तब भी उन्होंने इस घटना का जमकर विरोध किया था। उनके दूसरे मशहूर नाटक हैं ओडाकल्लू बिम्बा, द फायर एंड द रेन, ययाति, अग्निमाथु माड़े। गिरीश कर्नाड को पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया और वो रोड स्कॉलर भी थे। और उनके और भी नाटक जो आपने सुने होंगे, हयवदन था, उसके अलावा नागमंडला था। हमारी श्रद्धांजलि गिरीश कर्नाड को इस गीत के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।